देखिए, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है, पहला टर्म एपी आपको दे रखी है, जिसका पहला टर्म आपके पास क्या है, -4/3 है। देन नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, -1 है, फिर -2/3 है, एंड एट द एंड जो लास्ट टर्म आपको दे रखा है 4/1/3 है। तो ये तो आपकी एपी रही। तो एपी का फर्स्ट टर्म हमें क्या पता है, एपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास 4/3 है, और कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लें तो क्या होता है, a2 - a1 होता है। a2 अपने को -1 दे रखा है, और जो हमारा a1 है वो -4/ आपका क्या है, 3 है। अब ये आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका, ये 1/3 आ गया। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि एपी इंक्रीजिंग है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिडिल मोस्ट मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म का मतलब ये हुआ कि अब हाँ, हमें ये नहीं आइडिया है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। सपोज यहाँ नंबर ऑफ टर्म 15 होंगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म हो, तो एक ही मिडिल टर्म होगा, वो कौन सा होगा, 15 + 1 = 16/2, मतलब 8th टर्म मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे आपका 7 टर्म होते, तो 7 + 1 = 8/2 = 4th टर्म होता। लेकिन अपने पास यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म इवेन है या ऑड है। इवेन होंगे अगर नंबर ऑफ टर्म, सपोज 4 टर्म होते, देर आर 2 मिडिल टर्म, सेकेंड और थर्ड मिडिल टर्म, मोस्ट मिडिल टर्म हम लोग कहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होंगे, क्योंकि उसने 2 मिडिल टर्म की बात करी है ना। तो अब निकालना तो पड़ेगा कि वो कौन सा मिडिल टर्म है। तो हम लोग पहले एन निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ताकि इंश्योर हो पाए कि हमारे पास कितने मिडिल टर्म होंगे, मतलब वो नंबर इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, और वो कौन होंगे। ठीक है, तो हमने कह दिया कि 4/4 = 1/3, मतलब 4 3 = 4 होल 1/3, या यूं कह लीजिए 4 3 = 12, और +1 13/3 जो है वो nth टर्म है। लेकिन nth टर्म क्या होता है, a + n - 1d होता है। आपके पास a और d दे रखा है, n निकल आएगा, तो 13/2 दैट इज इक्वल्स टू ए, आपके पास माइनस का 4/3 है, और +n - 1, और डी आपका क्या है, 1/3 है। तो ये सारा आपका जो 3 है ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 3 था इस साइड में, 2 लिख दिए, तो ये 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से n आपका क्या आता हुआ दिख रहा है, n यहाँ से आ जाएगा आपका 18, सॉल्व करोगे आपका n 18 आ जाएगा। इसका मतलब जैसा हम लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन में जैसा इंडिकेटेड है कि 2 मिडिल टर्म निकालिए, तो n इवन आना ही था, n आ गया, दो मिडिल टर्म है, 18 टर्म्स आ रहे हैं, तो अब वो कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इवन जब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इवन टर्म्स अगर हमारे पास है तो हम लोग कहते हैं कि मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, 18/2th टर्म होगा एक ठो, दैट मीन्स 9th टर्म, एंड इससे आगे वाला जस्ट 18/2th और +1, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, 9th टर्म हो गया, एंड कौन सा हो गया, 10th टर्म मिडिल टर्म हो गया। अपने को पूछा क्या है, इनका सम पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड हमें जो है वो a9 और 8 10, जो दोनों मिडिल टर्म है, इनका सम रिक्वायर्ड है। अब a9 कैसे निकलता है, तो n टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, a + how many d, n - 1, मतलब 9 - 1 8d हो गया। और दूसरा क्या हो गया, a + 10 - 1, मतलब 9d हो गया। अब आपके पास 2a + 9 = 17d हो गया, वैल्यू प्लेस कर दीजिए आप a और d का, तो a आपका 4/3 था माइनस का, और d था आपका 1/3, 17/17 × 1/3 कहेंगे, 1/3। तो आपका कितना आता हुआ नजर आ रहा है, ये 17, 9 = 17, 9 9/3, मतलब 3 आ गया। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी था, है ना। शॉर्टकट देखिए क्या है, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अप्रोच करोगे, है ना, तो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोग जानते हैं कि जो हमें सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है, जो भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है, कोई भी अगर एपी है तो प्रॉपर्टी होती है कि जो फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है उनका सम कांस्टेंट होता है ना। इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है फ्रॉम बिगनिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म लास्ट कौन सा आने वाला है? देखिए फोर आएगा, यहाँ से निकालोगे तो ये भी ये वही आएगा। मतलब फर्स्ट से एनथ टर्म और लास्ट से एनथ टर्म का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब कि हम कहेंगे कि जो हमारे दोनों मिडिल टर्म होंगे उनका जो सम होगा वो इन्हीं के बराबर हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग रिफर कर लें इसको, है ना। सेकेंड वाले से अच्छा अच्छा आंसर आ रहा है, 4 और -1 दैट मीन्स 3 आ रहा है। तो ये शॉर्टकट है, आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।